अक्षय कुमार और सलमान खान दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर राज करते हैं। इन दोनों की प्रेजेंस से ही फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो ऐसे में जब ये दोनों स्टार्स एक ही फिल्म में काम करें तो फिर आउटकम तो धमाकेदार होगा ही। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान जब किसी ने अक्की से सलमान खान के साथ काम करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यस व्हाई नॉट, इफ थिंग्स वर्क आउट वी वुड लव टू डू इट, मुझसे शादी करोगे टू इज अ ग्रेट आइडिया, साजिद नाडियाडवाला शुड मेक समथिंग, वी वुड लव टू डू इट, आई हैव ऑलवेज लव्ड सलमान, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। आप सबको याद होगा कि पहले सलमान खान करण जौहर के साथ मिलकर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी को प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन किसी मन मुटाव के कारण सल्लू भाईचान ने इस फिल्म से किनारा कर दिया और फिर करण जौहर ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। पर अब अक्षय कुमार के स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं, और अगर अक्की की ये स्टेटमेंट सच हो गई तो जल्द ही हमें बॉक्स ऑफिस के दबंग खान और बॉक्स ऑफिस के खिलाड़ी का मिलन नजर आएगा। वेल, हम सब तो मुझसे शादी करोगे 2 को लेकर काफी एक्साइटेड है। आप? हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। आज है 27 दिसंबर और आज है सलमान खान का बर्थडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू सलमान खान। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के पूरे दिन की हाईलाइट रही जिस तरीके से कल रात को नजर आए सलमान और शाहरुख की, यानी कि प्रेम और राज, प्रेम राज एक साथ नजर आए और सलमान खान की बर्थडे पार्टी थी जहाँ पर तमाम सेलिब्रिटीज नजर आए और शाहरुख ना हो ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शाहरुख सलमान के उन दोस्तों में से है जिन्हें सलमान अपने दिल से ज्यादा अपनी फैमिली मानते हैं, अपने फ्रेंड से ज्यादा फैमिली समझते हैं वो शाहरुख को। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक फैन ने एक फोटो शेयर की है जहां पर सलमान और शाहरुख दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं पोज करते हुए, और दोनों माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं भाई। करण अर्जुन के बाद इनको एक साथ एक फिल्म में देखने का जो सपना है ना वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसा लगता है कि जब तक इन्हें एक साथ ना देख लो तब तक you know we crave to look them to see them in one picture and जब अर्पिता की शादी हुई थी अर्पिता के टाइम पे भी एक ऐसी फोटो वायरल हुई थी और अब यहाँ पर भी एक ऐसी फोटो वायरल हुई है। हर साल या तो शाहरुख के बर्थडे पे सलमान के बर्थडे पे ये दोनों मिलते हैं दोनों दोस्त, और इनकी दोस्ती कितनी लाजवाब है ये हम सभी जानते हैं। सो शाहरुख ने भी अपने अंदाज में सलमान को विश कर डाला है। आपने अभी तक विश किया या नहीं किया है? नहीं किया है तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर विश कीजिए, आपकी एक एक विश सलमान तक जरूर पहुंचेगी। सो डू कॉमेंट एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को, और ये फोटो कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। दिस इज ज्योति नाहक signing off.
अरे मोबाइल मोबाइल पीछे आ जाओ थोड़ा तुम लोग, ये इसको इसको पीछे पीछे थोड़ा पीछा ना। हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। क्रिसमस आ गया है और क्रिसमस पर हमारे पास सांता बनकर सलमान खान आए थे दबंग 3 लेकर। जी हाँ, और हाल ही में सलमान खान ने फैंस को थैंक यू तो कहा ही है, लेकिन साथ में वापस से रिक्वेस्ट किया है सारे फैंस को कि जाइए पास या फिर दूर, लेकिन अपने नियर थिएटर्स में जाकर दबंग जरूर देखिए। एक प्रोमो आउट किया गया है, ब्रांड न्यू प्रोमो, जहां पर सलमान खान बात करते नजर आ रहे हैं फिल्म के बारे में और कहते हुए नजर आ रहे हैं सारे फैंस को थैंक यू कहा है कि इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है दबंग 3 को। और थैंक यू के साथ साथ सलमान ने ये भी कहा है सभी लोगों को कि प्लीज़ आप लोग जाइए फिल्म देखिए। और कहीं ना कहीं दबंग 3 की अगर बात करूँ मैं, प्रभुदेवा डायरेक्टेड फिल्म है ये, 20 तारीख को रिलीज हुई थी। फिल्म ने 100 करोड़ का बेंचमार्क ऑलमोस्ट टच कर लिया है, क्योंकि ये फिल्म जो है, जैसा मैंने बार बार कहा है और फिर से कहना चाहूँगी, ये फिल्म जो है ज़रा सा मात खा रही है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म का जो कलेक्शन है उसको इम्पैक्ट कर रहा है प्रोटेस्ट जो कि हो रहे हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको लेकर। लेकिन फिर भी ये फिल्म एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आपने, मैं भी कहना चाहूँगी, आपने अभी तक देखी या नहीं देखी? नहीं देखी तो जाइए ज़रूर देखिए, क्योंकि इस बार सलमान ने खुद सबको मेरी क्रिसमस विश करते हुए ये फिल्म के लिए एक और अपील की है लोगों से कि आप लोग जाइए और फिल्म ज़रूर देखिए। अब आप मुझे बताइए, देखी या नहीं देखी? नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए देखिए। दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। हेलो गाइस, दिस इज़ ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज़ अड्डा। अर्पिता खान शर्मा, जी हाँ, यानी कि सलमान खान की बहन को उनके जन्मदिन के दिन एक प्यारी सी बेबी डॉल हो गई है। यस, अर्पिता एंड आयुष हैज बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। डेफिनेटली खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, दबंग 3 को लोग पसंद कर रहे हैं, सलमान खान का बर्थडे है और बेबी गर्ल यानी कि आयत आ चुकी है। खुदा की इनायत बनकर आयत आई है। आयुष शर्मा ने खुद इस गुड न्यूज़ को शेयर किया है अपने सोशल मीडिया साइट पर, जहाँ पर उन्होंने एक कार्ड पोस्ट किया है और उस पर लिखा है आयत शर्मा। बहुत ही खूबसूरत नाम है कहीं कहीं, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, सभी बहुत खुश हैं। सलमान खान वापस से मामू जान बन चुके हैं अपने जन्मदिन के दिन। सो आप लोग क्या क्या विशेष देना चाहते हैं आयत को, और सलमान को भी बर्थडे विशेष दीजिए हमारे चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। पार्टी सर, पार्टी हो। मोबाइल है भाई।
का दिन सभी सलमान खान फैंस के लिए बेहद खास है, और क्यों ना हो, आज सभी के चहेते सलमान खान का बर्थडे जो है, ऐसे में हर तरफ से विशेस तो आना नेचुरल ही है। वेल, एक ऐसी ही विश आई फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट एजाज खान की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सलमान खान के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट गोल्डन हार्ट पर्सन बीइंग सलमान खान, अल्लाह बहुत खुश रखे भाई तुमको, मेनी मोर इयर्स टू गो, कीप एंटरटेनिंग अस भाई, हैप्पी बर्थडे सलमान खान। हालांकि बिग बॉस के दौरान सलमान खान ने कई बार एजाज खान की क्लास भी ली थी, लेकिन फिर भी एजाज सलमान खान की काफी इज्जत करते हैं, और जब भी कोई मौका मिलता है वो भाईजान को सोशल मीडिया पर प्रमोट भी करते हैं। वेल, एजाज अकेले नहीं हैं, उनके अलावा कई और सेलिब्रिटीज भी सलमान खान को सोशल मीडिया के जरिए विश कर रहे हैं। तो अगर आप भी सलमान खान के लिए बर्थडे विशेस भेजना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपने मैसेजेस लिखकर शेयर कीजिए, और सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशंस पर और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।